हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको आरटीसी क्रिस्टल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यानी आरएफ क्रिस्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है, इसको हम आरएफ क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रिस्टल होता है, ये दिखने में होता कैसा है। तो ये जो क्रिस्टल होता है मेनली मेटल बॉडी में आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो क्रिस्टल यूज़ होता है वो SMD क्रिस्टल होता है, मतलब साइज़ में छोटा होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के जो क्रिस्टल से, ये मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं। ये चौकोर भी आते हैं और रेक्टेंगल शेप में भी आते हैं और ये क्रिस्टल इस टाइप से दिखते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड होते हैं या लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है, उसमें इस टाइप के क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में 13 MHz, 16 MHz और 26 MHz, ये तीन वैल्यू के क्रिस्टल ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन 26 MHz का क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत कम होते हैं और कंपोनेंट्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो, जैसे रजिस्टर बहुत सारी लगी होती है या कैपेसिटर्स बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल होता है ये बहुत कम लगा होता है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में मिनिमम 1 या मैक्सिमम 3 तक मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो आइए जानते हैं कि ये क्रिस्टल बेसिकली काम क्या करता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है, ये जिस सेक्शन में लगा होता है, ये उस सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, जिससे कि उस सेक्शन में लगी आईसी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है, ये हमारे मोबाइल में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 की क्वांटिटी में मिलेंगे, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। अब जैसे जो पुराने फ़ोन आते थे, उसमें सिर्फ एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा होता था 26 MHz का, तो वो सिग्नल आईसी और सीपीयू को फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देता था, जिससे कि सीपीयू और सिग्नल आईसी प्रॉपर काम कर सके। अब जो नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, उसके अंदर वाईफाई आईसी लगी होती है, वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए, तो वहाँ भी एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल काम करता है, लगा होता है, जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके वाईफाई आईसी को देता है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। तो मेनली इसका मेन काम होता है कि अपने अंदर से फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है और ये जिस सेक्शन में लगा होता है उस सेक्शन की आईसी को फ्रिक्वेंसी जनरेट करके प्रोवाइड करता है, जिससे कि आईसी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो क्रिस्टल होता है ये कहाँ लगा होता है, कैसे इसको पहचानते हैं, तो मैं आपको मदरबोर्ड में इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर एक ये मदरबोर्ड है सैमसंग का, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एंटीना है, ये सब देख रहे हैं ना, ये नेटवर्क सेक्शन की पहचान होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ये इसका सिग्नल सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन, और ये हमेशा नेटवर्क आईसी के पास जरूर से ज़रूर एक लगी होगी, और ये ज़्यादातर 26 MHz में आता है। ये देखिए यहाँ पर एक लगी है क्रिस्टल, और ये जो नेटवर्क सेक्शन में क्रिस्टल 26 MHz का लगा होता है ना, तो इसकी 13 MHz की फ्रिक्वेंसी नेटवर्क आईसी के लिए होती है और इसकी जो बची 13 MHz की फ्रिक्वेंसी सीपीयू के लिए होती है। तो जब ये फ्रिक्वेंसी 26 MHz नेटवर्क आईसी को देता है ना, तो नेटवर्क आईसी 13 MHz अपने यूज़ के लिए ले लेती है और 13 MHz सीपीयू को प्रोवाइड करती है। कई जगह ऐसा भी होता है कि एक क्रिस्टल 13 MHz का नेटवर्क आईसी के पास लगा हो और एक 13 MHz का क्रिस्टल सीपीयू के पास लगा हो। तो कई मोबाइल फ़ोन में आपको सीपीयू के पास भी क्रिस्टल देखने को मिल सकता है और नेटवर्क आईसी के पास भी, और कई मोबाइल फ़ोन में सिर्फ एक ही क्रिस्टल मिलेगा नेटवर्क आईसी के पास, जो नेटवर्क आईसी को भी फ्रिक्वेंसी देगा और सीपीयू को भी फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये भी एक सैमसंग का मदरबोर्ड है और इसमें देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आईसी लगी है और इसके पास आप देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल लगा हुआ है। इसकी जो वैल्यू होती है क्रिस्टल की, ये इसके ऊपर लिखी होती है और ये हमेशा मेटल बॉडी में आएगा 4 पिन में, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आगे एक और मैं आपको पिक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक और मदरबोर्ड है मोबाइल फ़ोन का और यहाँ पे देखिए एक सिग्नल आईसी के पास एक क्रिस्टल लगा हुआ है और एक क्रिस्टल यहाँ पर सीपीयू के पास भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सीपीयू है इसका और इसके पास एक क्रिस्टल लगा है इसको फ्रिक्वेंसी देने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे 2 क्रिस्टल यूज हुए हैं, लेकिन नॉर्मली मोबाइल फोन्स में एक ही क्रिस्टल दोनों आईसीओ को सप्लाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक और मैं आपको पिक दिखाता हूँ,
देखिए ये एक मदरबोर्ड है, इसका एक पार्ट है, और ये जो आईसी लगी है ना, ये वाईफाई आईसी है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई आईसी। जो पुराने मोबाइल फोन आते थे दोस्तों, उसमें सिर्फ ब्लूटूथ सेक्शन आता था, तो उसमें क्रिस्टल नहीं लगा होता था ये। लेकिन अभी जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन इनबिल्ट होता है, एक आईसी के अंदर होता है। तो जहाँ भी वाईफाई आईसी लगी होगी ना, वहाँ पे ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जरूर से लगा होगा, और ये क्रिस्टल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है वाईफाई आईसी को काम करने के लिए। तो ये वाईफाई सेक्शन में भी ये क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक क्रिस्टल ये मिलेगा नेटवर्क आईसी के पास, एक मिलेगा वाईफाई आईसी के पास, और कभी कभी एक क्रिस्टल आपको मिल सकता है सीपीयू के पास देखने के लिए। तो ये इस तरीके से क्रिस्टल यूज होता है, हमारे बोर्ड में ज़्यादा नहीं लगे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल सर्किट चार्ट में जब स्टडी करेंगे, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल होता है ये दिखने में ऐसा होता है, इसका सिंबल है, ऐसे सिंबल होता है क्रिस्टल का, जैसे आरटीसी क्रिस्टल का सिंबल था वैसे ऑक्सीलेटर का भी होता है। तो ये इस तरीके सिंबल होता है, इससे आप पहचान सकते हैं। और दोस्तों बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टल होता है ना, इसको हम मल्टीमीटर से नॉर्मली चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल ना ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, तो मल्टीमीटर से हम फ्रिक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक सीआरओ मशीन आती है, हम उससे चेक करके इस पता कर सकते हैं कि क्रिस्टल सही है या खराब है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हमारे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क सेक्शन में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है या हमारा फ़ोन डेड है, तो सेम मॉडल के दूसरे फ़ोन में से हम उस टाइप के क्रिस्टल को, उतने सेम वैल्यू के क्रिस्टल को निकाल के चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल की टेस्टिंग हम प्रॉपर मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। तो आई होप ये क्रिस्टल का आपको चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।